हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि एकदम ठीक होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। तो शाम का टाइम है और अगर हम लोगों को कुछ चटपटा सा नाश्ता मिल जाए तो कहने ही क्या। तो यहाँ पे मैंने लिए ये काले वाले चने, मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये अच्छी से भीग गए हैं। और अभी मैंने इसे वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद हमें सबसे पहले कुकर में इसे डाल लूँगी मैं, और उसके बाद इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और सबसे पहले इसमें मैं 4 से 5 सीटी लगा लूँगी, माने कि अगर शाम का टाइम है और अगर आपको कुछ हेल्दी खाना हो तो ये जो चाट है आप बिल्कुल बना सकते हैं, चना चाट इसे कहते हैं। काफ़ी टेस्टी भी लगता है, चटपटा भी होता है, बड़े क्या बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें लगा लेते हैं सीटी। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यही वाले चने लिए हैं। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आप क्या तो इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दीजिए, आप मॉर्निंग में भी इसका नाश्ता बना सकते हैं। तो ये देखिए चने जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल गए हैं, मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ। मैंने इसे कुकर से निकाल लिया है और इसमें जो भी एक्सेस वाटर था वो छान के हटा दिया। और ये अच्छी से उबलने के बाद में अब मैं जो है इसका बनाऊंगी मसाला। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, आप चाहें तो बनते वक्त भी ऊपर से जो भी मसाला आप डालना चाहते हैं चाट में डाल सकते हैं। तो चाट है तो मतलब चाट का मसाला भी सारे स्पाइसेस चटपटे होने चाहिए, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो मसाले ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर और काला नमक। काला नमक का स्वाद चाट में काफ़ी अच्छा आता है तो ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और सारी चीज़ों को पानी डाल करके हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले जो है हम अपने मसाले को ही भूनेंगे, और पानी डालने से क्या होगा कि आपके मसाले जो हैं जलेंगे नहीं और अच्छी तरीके से चने में कोट हो जाएंगे। गैस पे मैंने रखा पैन और उसमें डाला है सरसों का तेल, और यहाँ मैं अब डाली हूँ जीरा, और जीरे को हम अच्छी तरीके से चटकने देंगे। जीरा अच्छी तरीके से पक गया है तेल में, और यहाँ मैं डाल रही हूँ अदरक। और बस इसे चलाते ही अब इसमें हम डालेंगे वो मसाला जो हमने तैयार किया है, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ नहीं हो जाता है। बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि मसाला जो है बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है, 1 से 2 मिनट में अच्छी तरीके से ये सिक जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे मैंने हल्दी का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ देखिए जो तेल है वो अच्छी तरीके से दिखने लग गया था, रिलीज़ हो चुका था। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है चना, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग नमक डाला है। नमक मैं कंट्रोल में डालूंगी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सीझते समय भी नमक डाला था, अगर आप उस समय नमक नहीं डालेंगे तो चने जो है सीझने के बाद फीके फीके रह जाएंगे अंदर से, तो आप ज़रूर डालें उसमें। मसाला सीखते ही मैंने इसमें डाल दिया चना और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाला पका लिया था पहले ही, और इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और बस चना की जो चाट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसे मैंने बाउल में निकाल लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, आप इसकी जगह पे पुदीने का भी यूज़ कर सकते हैं, बट लॉकडाउन होने की वजह से मेरे पास पुदीना नहीं है गाइस, तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया यूज़ किया है। 2 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने उबले हुए इसमें आलू डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला एक मज़ेदार सा चीज़ जो कि है किसान का केचप, ये टोटली ऑप्शनल है। इसमें जो खट्टा मीठा स्वाद आएगा ये काफ़ी अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बच्चों को बना के खिलाइएगा, बहुत पसंद आने वाली है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा जीरा पाउडर और नींबू का रस, और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए चाट जो है बनके बिल्कुल तैयार है। और यहाँ मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये मेरी जो रेसिपी है कैसी लगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। गाइस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।